भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। आज पूरी दुनिया में केवल वायु प्रदूषण से प्रतिवर्ष 70 लाख से अधिक लोग मौत के मुंह में समा जाते हैं। प्रकृति के साथ मनुष्य के ऊपर भी अब खतरे की घंटी बज चुकी है। विकास की दौड़ में हम प्रकृति का जतन करना भूल गए हैं। मनुष्य अन्न के बिना 3 महीने, पानी के बिना 3 सप्ताह जीवित रह सकता है, परंतु हवा के बिना 2 मिनट भी नहीं। वही हवा जो जीवन देती है आज जानलेवा हो गई है, जिसका समाधान है यज्ञ एवं वृक्षारोपण। वेद का उद्घोष है अयम यज्ञो भुवनस्य नाभिः। यज्ञ पंचभूतात्मक देह से लेकर ब्रह्मांड तक में स्वास्थ्य एवं संतुलन को कायम करता है। वैज्ञानिक शोध दर्शाते हैं कि यज्ञाग्नि में उत्तम गुणवत्ता युक्त घृत, जड़ी बूटियां एवं समिधा आदि की मंत्रोच्चारण पूर्वक आहुति देने पर वो द्रव्य अत्यंत सूक्ष्म व आरोग्य वर्धक होकर हमें स्वास्थ्य एवं दीर्घायुष्य प्रदान करता है। जी स्वामी जी, प्रणाम। प्रणाम। मेरा प्रश्न है, हमारे घर में एक पेशेंट है, उनको पैरालिसिस का अटैक आ चुका है और उनको बोलना नहीं आता है, उनका बोलना थोड़ा सा कम हो गया है, जैसे छोटे बच्चे तोतले की तरह बोलते हैं ना, वैसे उनके हलचल है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? ये पैरालिसिस के जो अभी आपको बताया ना, हाँ वही इसमें करना है। वातारी हवन सामग्री, मेद्य हवन सामग्री का प्रयोग कीजिए, हवन कीजिए, उसमें अनुलोम विलोम आदि प्राणायाम विशेष रूप से कराइए। जी मैं उनको ओंकार बोलना सिखा रही हूँ, थोड़ा सा चेंज हुआ है ओंकार से भी। हाँ, तो अभी यज्ञ तो नहीं किया, मेहनत कर रही हूँ, लेकिन उनको करवाना है मुझे। हाँ, ये यज्ञ कीजिए, उसमें 2 सामग्री का प्रयोग करके और उसमें योगा अभ्यास कराइए, फिर आप देखिए कितना चमत्कार होता है। हाँ जी जी जी। हाँ स्वामी जी, और एक बताना था, मैं भावना जी से भी जुड़ी हुई हूँ, हम हर रोज योगा भी करते हैं दोनों, भावना जी गुजरात की जो अभी है, उन्होंने भी बताया था कि यज्ञ कीजिए, तो उनका भी धन्यवाद। जी और किसी का? हाँ जी जी। मेरा, मैं महाराष्ट्र सातारा से हूँ। जी, हमारे परिवार ने गोपाल कृष्ण जी का मंदिर बनाया है। हाँ हाँ। तो वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा होगी अब जी, तो मुझे ये जानना था उसके लिए कौन सा यज्ञ होता है, क्या उसकी प्रोसीजर होती है और कौन कौन से मंत्र पढ़ाए जाते हैं, जो भट जी आएंगे वो क्या क्या करेंगे, वो हमें भी पता होना चाहिए, तो सब कुछ मुझे और मेरे माता पिताजी को जानना था। हाँ, वो जो आपको नंबर भेजा है ना, उसके ऊपर आप कॉल कर देना, तो उसमें आपको सब मिल जाएगा इसकी माहिती। जी, हाँ जी। मेरी भांजी है जो बचपन से उसको पैरालिसिस का झटका आया था, तो उसकी वजह से वो बचपन से ही चल नहीं सकती। हाँ। तो उसको कुछ यज्ञ सामग्री से कुछ ठीक किया जा सकता है क्या? निश्चित रूप से, जैसे मैंने आपको बताया कि कई सारे लोगों के ऊपर हमने परीक्षण करके और दिया, और सबसे बड़ा उदाहरण मैंने दिया डॉक्टर तारा सिंह जी, पिछले 25 सालों से वो यज्ञ चिकित्सा कर रहे हैं और ऐसे सैकड़ों लोगों को उन्होंने नव जीवन प्रदान किया है। तो आप भी करेंगे तो आपको भी मिलेगा इसका लाभ। बस ये विशेष हवन सामग्रियों का प्रयोग, उसकी धूनी और जो मैंने कुछ बताया वो सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखते हैं, रोगानुसार जो उसके लिए प्राणायाम आदि हैं वो आप करिए, आप देखिए कितना जबरदस्त लाभ होगा। स्वामी जी, एक बार आपका कॉन्टैक्ट नंबर बता सकते हैं? हाँ, वो नंबर मैंने अभी लिखा है ना आपको, हाँ उसी नंबर के ऊपर आप कॉल कीजिए जो भी कार्य है। हाँ ओम स्वामी जी,
जी प्रणाम। स्वामी जी पूछना था मुझे कि यज्ञ हवन करने में तो कितना वक्त लगता है, तो अब ये हर रोज हम इतना कर नहीं पाते, तो इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है क्या? मैंने आज और कल और परसों जो बताया, कितना बताया? 7 गायत्री मंत्र से आहुति दे करके देना, 21 गायत्री मंत्र, 51 गायत्री मंत्र। आप एक बार गायत्री मंत्र का आप उच्चारण करते हैं तो कितनी देर लगती है? 1 मिनट में 3 से 4 बार आप उच्चारण कर लेंगे, अर्थात 3 4 आहुति आप दे सकते हैं। 5 मिनट आप हवन कर लीजिए अग्नि को अच्छे से प्रदीप्त करके, और उसमें जो ये विशेष हवन सामग्री, उससे गायत्री मंत्र से 7 आहुति दे दी, 21 आहुति दे दी, और उसके बाद जब अंगारे तैयार हो गए, उन अंगारों के ऊपर थोड़ी सी जड़ी बूटी रख करके उस वायुमंडल में 1 2 घंटा बैठिए, प्राणायाम कीजिए, योगाभ्यास कीजिए, योगासन कीजिए, फिर देखिए। इसमें कोई ज्यादा समय की अपेक्षा नहीं है, बस आप अपेक्षा है मनोबल की, इच्छा की। जब आप मनोबल और इच्छा होगी तो हम अपने आप समय निकाल लेंगे, जब हमें समस्या होगी और उसका समाधान दिखेगा तो। और मुख्य आवश्यकता उसमें जो आपको गायत्री मंत्र सरलतम बताया, तो उससे आप हवन कर सकते हैं, करीब 5 7 मिनट लगती है। ओम स्वामी जी, जी मुझे पूछना था कि घुटने का दर्द है, घुटने का दर्द कौन से हवन से करना पड़ेगा? हाँ, ये जो घुटने का दर्द किससे ठीक होगा, तो वो जैसे आपको बताया वातारी हवन सामग्री, ये सारे घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, या जो भी इस प्रकार की जितने भी रोग है दर्द से संबंधित, ये सारे के सारे वातज रोग है। इन वातज रोगों को ठीक करने के लिए वातारी हवन सामग्री से हमें हवन करना है। जो वात को हरने वाली जड़ी बूटियां है, उसका निर्गुंडी आदि जो जड़ी बूटियां होती है उसका प्रयोग करना है। उसका प्रयोग करेंगे तो आप तुरंत लाभ प्राप्त करेंगे। सब भी लोगों के लिए एक ही जवाब है, जो भी घुटनों से या वात रोग है उन सब के लिए। हाँ, लकड़ी आपके आसपास में कोई जो दुकानें होगी वहां पे मिल सकती है कुछ, या फिर आप ऑनलाइन मंगाना चाहे तो पतंजलि से भी, ये काउ डंग स्टिक जो मैंने आपको बताया गाय के गोबर से बनी हुई जो लकड़ियां हैं, संविधाएं हैं, इसको भी आप मंगा सकते हैं। ये सभी रोगों के लिए भी उत्तम है, और अंगारों को लंबे समय तक रखता भी है, और उसका एक अपना जो गैसें बनती है वो भी विशेष करके लाभकारी होती है, उपयोगी होती है। तो ये काव डंग स्टिक है, ये भी आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं, जो मैंने आपको नंबर दिया उस नंबर के ऊपर कॉल करके। माता जी का प्रश्न है कि सफेद दाग, कुष्ठ रोग जिसको बोलते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं, एक कुष्ठ होता है और एक श्वेत कुष्ठ होता है। सफेद दाग मानी श्वेत कुष्ठ, और आयुर्वेद के अंदर उसके कई सारे अलग अलग उपचार प्रक्रियाएं और अलग अलग चीजें बताई है। तो उसमें कुछ विशेष करके जैसे श्वेत कुष्ठ हो गया तो उसमें लाल चनोठी जिसको बोलते हैं, गुंजा जिसको बोलते हैं, चित्रक की छाल और चित्रक की साल के साथ बाऊची के बीज, इनको कूट पीस करके पाउडर बना लेते हैं बारीक, इसको बोलते हैं स्वित्रघ्न लेप। पतंजलि योगपीठ के आप कोई भी केंद्र पर जाएंगे तो आपको उपलब्ध हो जाएगा। उसका लेप करते हैं, उसका लेप लगाते हैं, और लेप लगाते हैं उसके बाद उसमें थोड़ा सा फोड़ा सा उठता है, तो उसके बाद उस फोड़े को दूसरे दिन फोड़ करके उसमें थोड़ा सा नीम का तेल आदि लगा देते हैं, फिर एक दिन के बाद फिर वापस लगाते हैं। तो ऐसे करते करते जो सफ़ेद दाग है वो हट जाएगा और नॉर्मल जो चमड़ी होती है वो आ जाती है, और बहुत कम समय में। लेकिन ये जो प्रक्रिया है वो थोड़ी पीड़ादायक है, लेकिन वो तात्कालिक तुरंत लाभ होता है उसमें। और यज्ञ के अंदर भी आयुर्वेद आदि ग्रंथों में कुछ धूम्र चिकित्साएं, कुछ ऐसी जड़ी बूटियों का प्रयोग वहां पे धूम्र चिकित्सा होता है, कुष्ठ और श्वेत कुष्ठ को ठीक करने के लिए कुछ विशेष औषधियां जड़ी बूटियां बताई हैं। उसमें कूट है, मालकांगनी है, हरताल है, अगर है, तेजपत्ता, गुगुल, तुलसी, ये कुछ ऐसे औषधियां हैं। उन औषधियों का सम्मिश्रण करके उसकी धुनी ले, धूम्र करे, हवन करे, तो उससे वो रोग ठीक होता है। और अभी कुष्ठघ्न हवन सामग्री के रूप में भी पतंजलि सभी स्टोर ये जो सामग्री है उसके साथ वो भी उपलब्ध है, कुष्ठघ्न हवन सामग्री, उसका नाम ही कुष्ठघ्न है, तो उसका भी आप प्रयोग ले सकते हैं। ये जो कुष्ठ और श्वेत कुष्ठ होता है उन रोगों को ठीक करने के लिए ये कुछ जो कुठ आदि जो औषधियां हैं उसकी धुनी विशेष करके लाभकारी होती है। जी जी बताइए। उनके लिए मेध्य हवन सामग्री से लाभ हो गया या कोई कुछ
हाँ उसके लिए यही जो मेध्य हवन सामग्री और मेध्य हवन सामग्री के साथ ज्योतिष मत्ति आदि हवन सामग्री भी आप मिला सकते हैं। हाँ ये दो सामग्रियों को आपस में मिला करके और उससे हवन करा दीजिए और उसमें अद्भुत लाभ होगा। ओम स्वामी जी। जी ओम स्वामी जी ब्राता जी बता। यज्ञ में कितने लोग? जी भ्राता जी बताइए। भ्राता जी का प्रश्न है कि जब हम यज्ञ करते हवन करते हैं तो कितने लोग बैठ सकते हैं या बैठना चाहिए। देखिए यह देव यज्ञ अग्निहोत्र हम कर रहे हैं या फिर भेषज यज्ञ चिकित्सा यज्ञ कर रहे हैं तो इसके अंदर जैसे आज मैं आपको सिखा रहा हूँ अकेला बैठ करके, ऐसे अकेला बैठ करके भी आप हवन कर सकते हैं। एक हाथ से घी की आहुति दे दी और फिर दाएं हाथ से उसके बाद सामग्री की आहुति दे दी। इस प्रकार जैसे मैंने आपको सिखा ही रहा हूँ तो इस प्रकार अकेले भी कर सकते हैं। दो है तो एक व्यक्ति घी की आहुति दे दे और दूसरा सामग्री की आहुति दे दे। तीन चार लोग हैं तो चारों ओर अन्य लोग बैठ जाएं, एक व्यक्ति घी की दे, बाकी लोग थोड़ी थोड़ी मात्रा में जड़ी बूटियों की सामग्री की आहुति दे। क्योंकि ज्यादा लोग अब वो एक साथ सामग्री दें तो वो थोड़ी, पहले एक ही व्यक्ति है तो थोड़ी सामग्री ज्यादा देंगे, ज्यादा लोग है तो सामग्री कम कम मात्रा में सब लोग लेकर के देंगे। वेदी छोटी मोटी कितनी है तो उसके आधार पर थोड़ी या अधिक मात्रा में आप सामग्री का चयन कर सकते हैं। और अधिक लोग हैं तो चारों ओर सब लोग बैठ जाएं उसके पीछे की साइड में। तो इस प्रकार से इसमें कितने लोग बैठते हैं, देव यज्ञ दैनिक अग्निहोत्र या भेषज यज्ञ चिकित्सा यज्ञ, इसमें इसका कोई नियम नहीं है। एक व्यक्ति से लेकर के जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को बैठना चाहें वो बैठ सकते हैं, कर सकते हैं। साथ में मिलकर के सभी लोग मंत्रों का उच्चारण करें, मंत्रोच्चारण शुद्ध करें, श्रद्धा भाव के साथ बैठे, पवित्रता के साथ बैठे, पॉजिटिव विचार के साथ बैठे और सभी लोग मिलकर के इस यज्ञ को संपन्न कर सकते हैं और इसको अच्छे से हम कर सकते हैं। जी जी बताइए, प्रश्न बताइए। ओम स्वामी जी, यज्ञ करने का टाइम कैसा, काल कैसा रहता है? अगर सुबह नहीं कर सकते तो थोड़ा लेट से कर सकते हैं क्या? जी जी बताता माता जी का प्रश्न है कि किस समय हम यज्ञ करें, उसका कौन सा काल है, किस काल में हवन करना चाहिए। सामान्य रूप से जो देव यज्ञ दैनिक अग्निहोत्र जिसको करने के लिए कहते हैं उसका सामान्य काल होता है सूर्योदय और सूर्यास्त, जो संध्या का काल होता है उस काल में सामान्य रूप से हमें हवन करना चाहिए जो देव यज्ञ दैनिक अग्निहोत्र है उसको। और जो भेषज यज्ञ चिकित्सा के रूप में जो मैं बता रहा हूँ वो भी सामान्य रूप से उस काल विशेष में करते हैं तो उसका अपना, क्योंकि वायुमंडल और वातावरण से लेकर के एक पूरी जो स्थिति बनती है उसके कारण एक विशेष लाभ प्राप्त होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो कर पाना संपन्न संभव नहीं हो पाता। कई लोगों की ऐसी ड्यूटी है, कोई नौकरी है, कोई ऐसे कार्य है या फिर कुछ ऐसी बीमारी कारण वो और भी इस प्रकार के व्यवधान है तो वो उसी समय में नहीं कर पाते। तो दो घंटे आसपास का जो समय है उसके अंदर हम कर लिया और उस तो वो आदर्श है। इतने भी नहीं कर पाते हैं तो किसी भी समय में देखिए हम आहुतियाँ देते हैं मंत्रोच्चारण पूर्वक, वो सूक्ष्म होती है, नैनो होती है, उसे गैसे बनती है, जो मैंने आपको बहुत सारी साइंस की और वैज्ञानिक यज्ञ विज्ञान की कुछ बातें बताई तो वो प्रक्रिया होती है और उसमें आप रहेंगे, उसमें श्वास लेंगे तो उसका लाभ आपको अवश्य निश्चित रूप से मिलेगा और उसको आप लाभ उठाओ। और शास्त्र विधान के अनुसार देखें तब भी उदिते होतव्यम, अनुदिते होतव्यम, समयाद्युषिते होतव्यम, ऐसे बताएं। उदिते मानी सूर्योदय होने के बाद हवन करें, अनुदिते सूर्योदय के पश्चात, और समयाद्युषिते अर्थात जो संधि का काल है, माने तीनों कालों के अंदर हवन करने का विधान भी हमें देखने को मिलता है। और जो बड़े याग आदि होते हैं तो उसमें कुछ एक सत्र भी होते हैं तो वो भी दिन भर के भी सत्र होते हैं, रात्रि के भी सत्र होते हैं, तो उस प्रकार का भी हमें देखने को मिलता है और उस प्रकार से भी यज्ञ, अर्थात ऐसा कुछ नहीं है। यदि हो सके तो आदर्श और विशेष आप लाभ उठाना चाहते हैं तो जो संधि का काल है सूर्योदय और सूर्यास्त का तो वो आदर्श काल है, उसी समय करें, अन्यथा उसके आगे एक दो घंटे का जो समय है उसके अंदर भी इस यज्ञ को हम कर सकते हैं और हमें करना चाहिए। यज्ञ में लोबन भी डाल सकते हैं क्या? मैं दिखाऊं ये आपको? क्या डाल सकते हैं? ये हमारे यहाँ मिलता है, आपको दिख रहा है लोबन? या इस तरह का ही है? हाँ ये लोभान है, लोभान, लोबन। कुक्कल और लोबन में क्या फर्क है? जी मैं बता रहा, देखिए जब माताजी का प्रश्न है कि यज्ञ के अंदर लोभान का प्रयोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं,
और लोभान और गुगुल में क्या अंतर होता है? लोभान एक पेड़ विशेष होता है, वो भारत में नहीं होता है, विदेशों में होता है, उस पेड़ विशेष का निर्यास गोंद होता है, उसको कहते हैं लोभान। गुगुल, ये जो मेरे सामने रखा हुआ है, ये गुगुल भी एक पेड़ विशेष का निर्यास गोंद है, ये भी पेड़ से पाया जाता है, निर्यास गोंद होता है। इसी प्रकार एक राल होता है, साल पेड़ से निकला हुआ गोंद को राल बोलते हैं। ये पूरे समाज में ये तीन द्रव्य विशेष रूप से यज्ञ के अंदर भी और यज्ञ के बाद धूम्र के रूप में अंगारों के ऊपर डाल करके उसकी धुनी के रूप में इन तीन द्रव्यों का विशेष रूप से प्रधानतः यह प्रयोग होता है। आप उड़ीसा साइड में जाएंगे कुछ राज्यों में तो वहां पर राल का ही प्रयोग ज्यादातर देखने को मिलेगा, कुछ राज्यों में लोभान का प्रयोग सर्वाधिक देखने को मिलता है और कुछ जगहों पे गूगल का, वैसे गूगल का तो सभी जगहों पे मिलता है क्योंकि गूगल व्यापक रूप से प्रयोग होने वाला है। और गूगल त्रिदोष शामक भी होता है, गूगल पुष्टिकारक सुगंधित रोग निवारक ये सभी गुणों से युक्त भी होता है, इसलिए गूगल का जो प्रयोग है वो सर्वाधिक इन अन्य द्रव्यों की अपेक्षा वो भी अपनी जगह पे लाभकारी। जैसे हम आयुर्वेद के प्राचीन ग्रंथों में जाए तो जिसको अस्थमा दमा की प्रॉब्लम है, समस्या है, तो उसको राल का धूम्र बहुत ज्यादा उपयोगी बताया गया। कुछ लोगों को जिसको मतलब पित्त से संबंधित प्रॉब्लम, एसिडिटी और ये सब है, तो उसमें लोभान जो है उसका धूम्र विशेष लाभकारी होता है। जिनको वात रोग या वात से अतिरिक्त और भी सारे रोगों में, गूगल तो सभी रोगों के लिए लेकिन वात रोगियों के लिए गूगल की धुनी भी उसके साथ लाभकारी होती है, ये चिकित्सा की दृष्टि से। बाकी जो गूगल की धुनी है वो दैवीय शक्तियों को तृप्त करने के लिए, मनोशांति के लिए, क्योंकि उससे जो सुरभि जो सुगंधित निकलती है मन को शांत सहज आह्लादित करने वाली होती है। लोभान की जो ध्वनि होती है वो और बहुत ज़्यादा सुगंधित और एक अलग प्रकार का वातावरण बनाने वाली, तो उसको और ज़्यादा जो देवीय शक्तियाँ होती उसको अपनी ओर लाने या फिर उनको तृप्त करने के लिए और इस प्रकार का माना जाता है और ऐसा पुस्तकों में इसे लिखा हुआ और इस प्रकार का मिलता है। तो इस प्रकार से अलग अलग ये तीन निर्यास गोंद है और इनको हम अंगारों के ऊपर डाल करके और उसकी ध्वनि करके और उसका प्रयोग हम विशेष रूप से ले सकते हैं और उसका लाभ भी प्राप्त होता है। और हमने देखा है अस्थमा दमा आदि के जो पेशेंट है, जो टीबी के पेशेंट है, उसको गूगल की और ये राल आदि की ध्वनि और ये सब करके हमने देखा और उसमें बहुत आसातीत और बहुत अच्छा लाभ मिलता है। और आयुर्वेद आदि ग्रंथों में भी इस प्रकार का इसकी ध्वनि करने का विशेष रूप से विधान करता है, इसको देव धूप और अलग अलग रूप में बताया गया शास्त्र में, तो इसका भी हम प्रयोग ले सकते हैं। जी देखिए, माता जी का प्रश्न है कि बलि वैश्य देव यज्ञ के बारे में बताइए। हम जो यज्ञ करते हैं, जिस जीवन को जी रहे उन जीवन को पूर्णता की ओर ले जाने के लिए हमारे शास्त्रों में पंच महायज्ञों का विधान है। ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, बलि वैश्व देव यज्ञ, अतिथि यज्ञ, पितृ यज्ञ, ये पंच महायज्ञ कहे जाते हैं। उसमें बलि वैश्व देव यज्ञ, बलि अर्थात त्याग, आप सब लोगों ने एक शब्द सुना बलिदान, इन वीरों ने राष्ट्र के उत्थान के लिए बलिदान दे दिया। बलिदान, बलिदान क्या हो कि अपने पास जो कुछ था वो न्योछावर कर दिया, दे दिया, त्याग दिया। बलि का अर्थ होता त्यागना, देना। बलि वैश्व देव यज्ञ होता है जो असहाय जीव है, जो असहाय प्राणी है, उन असहाय जीवों के लिए, असहाय प्राणियों के प्रति प्रेम का भाव, वात्सल्य का भाव, स्नेह का भाव, सहयोग का भाव, अहिंसा का भाव हमारे भीतर हो। और हमारे पास परमपिता परमात्मा ने जो कुछ भी ऐश्वर्य धन धान्य जो कुछ भी दिया है उसमें से कुछ अंश उसके लिए भी हम दें। इसलिए हम देखते हैं हमारी प्राचीन परंपराओं में और अभी भी माताएं बहनें ये चीज़ें करती हैं कि जब वो भोजन बनाती है उसमें कुछ रोटियाँ गाय के लिए, कुछ रोटी कुत्ते के लिए, कुछ रोटी ऐसी जिसको चूर्ण आदि करके और थोड़ी सी मात्रा में वो बना गुड़ और शक्कर आदि से युक्त करके थोड़ा सा चींटी आदि के लिए कहीं दरवाजे के आसपास या कोई थोड़ी ऐसी कोई जगह हो जहाँ पे पैर में चींटी आदि ना और चींटियाँ जहाँ आती हो वहाँ पे डालना, या फिर आटे के अंदर थोड़ी सी मीठा कुछ मिला करके उसको चींटियों को डालना और पंछियों को दाना डालना, ये सारी चीज़ें जो है वो है बलि वैश्व देव यज्ञ का एक रूप। और इससे अतिरिक्त हम अपने घर में ही जो पकवान बनाते हैं, जो अन्न आदि पकाते हैं खाने के लिए, उस अन्न को सबसे पहले हम
कुछ थोड़ा सा अंगारे लेकर के, थोड़ी सी आग लेकर के अंगारों के ऊपर, और उसके कुछ एक विशेष मंत्र होते, उन मंत्रों को उच्चारण करते हुए उस आग में या उस अंगारों के ऊपर उन द्रव्यों को डाले, सामान्य रूप से गुड़, गाय का घृत और चावल पके हुए या कच्चे जो भी, तो सामान्य रूप से हम भोजन बनाते हैं उसमें चावल होते, तो उसको थोड़ी सी मात्रा में तैयार करके और ये अंगारों के ऊपर आहुतियाँ देते, तो उससे एक सुगंधि, एक सुरभि, वातावरण शुद्ध होता है, पवित्र होता है, सुगंधित होता है। इससे जो सूक्ष्म जीव आदि सब, जो क्योंकि वायुमंडल सब लोग चिट्टी से लेकर के हाथी पर्यंत सब लोग इसमें श्वास लेते हैं, पेड़ पौधे पशु पक्षी, तो ये जब इस प्रकार से हवन करते उसकी जो धुनी धूम्र और वायुमंडल तैयार होता है उसमें सब लोग स्वास्थ्य होते, तो सबके लिए हितकारी होता है। तो इस प्रकार से थोड़ा सा जब भी हम भोजन बनाते हैं तो उससे को थोड़ा सा अंगारों के ऊपर या अग्नि के ऊपर हम आहुति दे करके और उसके बाद हम भोजन करते, उससे पहले नहीं करते। इसको कहते हैं बलि वैश्व देव यज्ञ। आज हम सभी लोगों ने यज्ञ के बारे में कुछ, पहले तो यज्ञ किया, यज्ञ के बारे में कुछ सीखने का, और यज्ञ चिकित्सा हम कैसे करें और उसके लिए कौन सी जड़ी बूटियों का प्रयोग करें, और कुछ आपके प्रश्नों का, शंका समाधान करने का प्रयास किया, और जो और विशेष जानना चाहते हैं तो वो और YouTube आदि चैनल के ऊपर आप जुड़ करके और उसका लाभ उठा सकते हैं। और आज इतना ही, और मेरे को बड़ा ही हर्ष और प्रसन्नता हो रही है कि आप सभी लोग श्रद्धापूर्वक, निष्ठापूर्वक इसमें जुड़े और धैर्यपूर्वक सुने, इसके लिए आप सभी लोगों को प्रणाम, नमन, वंदन करते हुए, और हम सबको जोड़ने वाले और अपने ज्ञान से निरंतर हम सबको सिंचित करें, पूज्य स्वामी आनंद देव जी महाराज को मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, और जिन महान ऋषियों के तप और पुरुषार्थ के कारण आज हम सभी लोग यज्ञ, योग, आयुर्वेद से लेकर के जो हमारी ऋषि संस्कृति से हमें सिंचित कर रहे हैं, ऐसे महान ऋषि परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, परम पूज्य श्रद्धेय आचार्य श्री को नमन वंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आइए सभी लोग सीधा बैठते हुए हम शांति पाठ करते हैं। आज इस 3 दिवसीय यज्ञ चिकित्सा प्रशिक्षण शिविर का यहीं पे हम समापन करते हैं। ओम द्यः शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 ही ओम।